सर्व व्यापारी म्हणून ते स्वागत आणि राकेश जैन मोठ्या व्यापारी उपस्थित रहने वाले सब मेरे भाइयों सब व्यापारी बंधु पूरे भाजी मार्केट के चिल्लर और अड़क व्यापारी भाइयों अपने मंडी में से ये भाई को एक ईसा सेठ ईसा हबीब खान और दूसरा बब्बू बाबू पहलवान अपने को मैं हम 45 साल से देख रहे कि अपने भाजी मार्केट वालों को कभी ये मोंडे वालों ने सब्जी नहीं दी उसमें अपने भी करते हैं अपन भी एक में एक नहीं किसको विचार में लेते नहीं कभी जात धर्म की बात सामने लाते उससे भी ये फूट पड़ी हुई ये सब कुछ मालूम है ये मार्केट लाते वक्त ये दुकान क्या होते ये दुकानों के ये लोन पहले सैंक्शन नहीं होना इसलिए हमने केस आने थे उसमें मैं था मुजीब था उस टाइम सारे मार्केट वालों को 20,000 रुपए मतलब जहां यहां कॉलम खड़े थे उस टाइम वो अपने नाम पे लोन सैंक्शन करके मंजूरी दे रहे थे लेकिन हमने उस पर स्टेल आए बड़ी लड़ाई है लड़ाई परंतु अपने में के उठ गए और वो ड्राकू गए अगर उसी ड्रॉ नहीं हो रहा तो और एक दो साल ये मंडी लेट आ रही और ये जो अपने को 5 साल 10 साल चिकन में आना पड़ा वो भी ना आना नहीं पड़ता तो सबसे पहले एक बात जात धर्म तो दूसरी बात रही पर पहले एक अब वो भी लोग आज आज उनको मोडे के देखो उनमें भी कॉम्पिटिशन है उनमें भी एक ही धंधा है लेकिन उनमें 7-8 जनों में से खाली 2 जने खड़े हुए अपने हाथ में ऐसा क्यों नहीं होता अब कभी चंद की दुकान में अपने सबके ही थे परंतु अपने अपने नसीब पे अपने को भरोसा नहीं इसके तभी कार्ड इसमें से निवाला छीन लेंगे ये तरीके से अपने हमें बहुत फूट पड़ी हुई जिसको मिटाने का हुआ और तुमको अपने हक के आदमी को चुन के लाने का हुआ तो पहले ये सब बात अपने को बंद करना पड़ेगी अब वो पिछला हुआ गया जान दो ये बारी को ऐसी उम्मीद है कि अपने मार्केट में से ये 2 सीट चुन के जाएंगे मेरे को ऐसी पूरी गारंटी है इसके लिए इनको भी मेहनत करना पड़ेगी वो बारे में मैंने कुछ क्यों दिया है उनको और बात एक है चुन के आओ क्या बताओ पर अपने भाजी मार्केट की एक बार ताकत इनको बता ही देंगे करके अपने सुन के आना और नहीं आना ये बात की बात पर हम भी कुछ कर सकते हैं हमारे में भी ताकत है ये बताना है ये बता के अपने पूरे तन मन धन से किसी की ये आशा न करके किसी की मुरत न करके दोनों को एक एक वोट डालो और ये इनको बहुमत से चुन के लाओ और नहीं भी लाए तो फिर नहीं बोला कि ये बारी को वो आएंगे पर कुछ खुदा ना खासा कुछ हो ही गया तो अपने को अगले साल अगले बारी को वो उधर के मोटे के लोग का अपने पैर पड़ते आएंगे वहां पे आप यहाँ पे जात और धर्म का मसला खत्म करके हम भाजी मंडी के व्यापारी बंधु हैं हम हमारी ताकत बताएंगे ये बोल के इनको वोट डालना इसकी मैं आपको सबको विनंती करता हूँ और रुक जाऊ काही हरकत नाही आणि त्या पद्धतीने आपल्याला कामकाज करायला सुरुवात करायला पाहिजे
या ठिकाणी कुणी कुणाची वैयक्तिक दुश्मनी या ठिकाणी आणू नये किंवा जात पात आणू नये की हमारे जात के उधर के ये भगवान है ये सिख है ये इधर हिंदू है ये मुस्लिम है ये नको। मेरे प्रामाणिक जो इच्छा है कि एक आदमी या दो आदमी कम से कम अपनी याद से उनके जाना ही जाना ये बारे में, अगर ये बारे में अगर जाता नहीं तो ऐसा समझो कि भविष्य में जाएगा नहीं। ये अभी एक ही चांस है ये बारे में कि अपन एकजुट होके ये काम कर सकते करके तुम ईसा के है वहाँ पप्पू से है ये दोनों का जो है तो उनको अपन और सामने बोलने का मौका भी दे देंगे वो क्या काम करेंगे और उनको वोट देने में कोई हरकत नहीं है। एक साथ रहो और दूसरे किसका सुनो भी नको, अपने को एक साथ रह के ये उम्मीदवारों को चुन के लाना है। कौन से भी अफवाह को इसको उसको ये चुन के आने वाले नहीं, इधर एकजुट हो गई उधर एकजुट हो गई तुम्हारा वोट फेल हो जाएगा ये कुछ भी नहीं। हमारा वोट सही जाएगा और सही तरीके से हम चुन के आएंगे, ये हमारा जो है ये फाइनल है और ये तरीके से अपन अपना वोटिंग कर दो। जिससे बोलूँ मैं माझे दोन शब्द संपल अपन सर्व व्यापारी एकच आहोत, त्याच्यामध्ये जुना मंडळ दादावाडी किंवा मंडी मार्केट हा आजूबाजूच्या मार्केटच होतो। तर पहिला प्रश्न, दुसरी गोष्ट आपण व्यापारासाठी आहोत, आपण निवडून येऊ नाही येणार ही नंतरची गोष्ट आहे। आपण महत्वाचं या गोष्टीवर विचार करायला पाहिजे की कोणतेही दोन व्यापारी निवडून येणार आहेत, कोणतेही अजून व्यक्ती दोन्ही दादा मंडीतले असतील पण व्यापारीच असतो, तर जे निवडून नाही आले त्यांच्यासाठी मला एक म्हणायचं आहे की एक समिती स्थापन करावी। एक माझे मत माझं एक 15 लोकांची समिती, त्या 15 लोकांच्या समितीमध्ये जुन्या मोंढ्यातले 5 लोक, धान्य मार्केटमधले 5 आणि भाजी मंडीतले जे उत्कृष्ट कार्यकर्ते आहेत ज्यांचे चांगले विजन आहेत असे 5, त्या 15 लोकांची नेमणूक आपल्या आपल्या समितीने करावी आणि आपल्या ज्या काही समस्या असतील आपल्या जे काही गोष्टी असतील त्या गोष्टी तुम्ही महासंघाच्या समोर ठेवा ही पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट जे आपण व्यापारी प्रतिनिधी निवडून येणार आहे त्यांच्या सोबत या 15 लोकांनी खांदा लावून काम करावं आणि आपलं काम बहुत कसं नाही झालंच पाहिजे ही भूमिका आपली ठेवावी। समस्या सगळ्यांच्याच आहेत, कदाचित मंडळीच्या समस्या थोड्या कदाचित जास्त आहेत आणि एक आश्वासन सगळ्याच व्यापाऱ्याकडून द्यावं की निवडून येणार आहात निवडून या आहात तुम्ही, परंतु हे कामं ही जबाबदारी तुमची आहे आणि हे कामं तुम्हाला करावंच लागतील आणि याचा पाठपुरावा त्या 15 लोकांच्या समितीने करावा, एक अशी विनंती माझी आणि माझ्या इसा भाईला आणि बापू भाईला त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। मर्म अफवा चढली आणि आपण जाणतो सभी भाइयों का पुजाराम सेठ हो पवार साहब हो या योले भाव हो मस्जिद से इलियास भाई मस्जिद भाई गाय के भाव सलीम भाई और भैया से बहुत दूर बैठे राजू भाव सभी से मैं विनती करूंगा कि एक दो दिन बचे इलेक्शन को और आज हमारा मौका आ गया है कि सब मिलकर ताकत लगाए और हमारा एक उम्मीदवार मार्केट में भेजे और आगे उनको काम करने का मौका दे। इसका कहते हुए मैं अपने दोस्तों खत्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत।
ये हमारे मार्केट कमेटी के इलेक्शन लग गए हैं और इसकी मतदान 28 तारीख को है और मैं ईसा खान नवाब खान के प्रचार में यहाँ पे आया हूँ और मैं सभी अपने व्यापारी भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, विनंती करता हूँ कि अपना एक कीमती वोट ईसा खान को दे और इनको पहली बार मार्केट कमेटी में एक डायरेक्टर बोलकर भेजे ताकि हमारे पूरे मंडी की मसले जो आज तक हल नहीं हुए वो हल हो जाए और उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा वोटों से जो आज हमारे सामने जो मेरे भाई सभी व्यापारी भाई हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, हमारे पास कोई मजहब का कोई वो नहीं है। हम जब व्यापारी एक जगह बैठ जाते हैं तो हर मजहब को बाजू रखते हैं और व्यापारी धर्म निभाते हैं। क्या ये बोले भाई, गलत बात है? हाँ, तो ये तो आप देख रहे होंगे कि मेरे सभी भाई यहाँ पे एक जगह बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा बहुमत चुनके आज मौका आया है, हम इनको डायरेक्टर चीफ बनाकर मंडी मार्केट में भेजे और हमारी तमाम मसाइल जो 20 साल से हल नहीं हुए आज हल करने की मौका आ गया है, इसको हल कराएं। ऐसा कहते हुए मैं अपने दौलत खत्म करता हूं। आज सभी भाइयों को ईद के ईद मुबारक। अभी पुरुषोत्तम बाजार समिति 2023 का इलेक्शन चालू है, अभी इसमें सभी उम्मीदवारों को हम बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। दो ही उम्मीदवार अभी उसमें रहेंगे, जादवाड़ी से एक और भाजी मंडी से एक, ऐसे दो उम्मीदवार की कोशिश हम कर रहे हैं और नहीं हुआ तो फिर हम जो है तो हम जादवाड़ी के दोनों लाएंगे, वो हिसाब से हम पूरी कोशिश करने वाले। मेरा नाम हरीश पवार, माजी संचालक। मैं अपील करता हूँ यूनियन की जानिब से और व्यापारियों की जानिब से, औरंगाबाद के मार्केट के जितने भी लोग हैं, हमारे ईसा खान को अच्छे अक्सरियत से कामयाब करे और इनका पूरा पूरा साथ दे, इनके साथ रहे, इनको पूरी उस दिन वोटिंग कराए और भारी अक्सरियत से इनको कामयाब करे। इसमें नौजवानों का काम रह गया अब, और ये नौजवान लोग हैं, इनको नौजवानों को आगे बढ़ाओ और इनसे काम लो। और इनसे भी अपील है, गुजारिश है कि इन्होंने जो है तो मंडी के लिए छोटा हो बड़ा हो व्यापारी कोई भी हो, हर एक का काम इन्होंने करना चाहिए। ऐसी मैं सबसे अपील करता हूँ और ईसा खान से भी अपील करूँगा कि भाई हर एक का काम मंडी वालों का तुमको करना ज़रूरी है और तुमने करना चाहिए, इतनी मैं अपील करता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ चौधरी। चौधरी है, मैं सभी व्यापारी भाइयों से और मार्केट के खास तौर से मंडी वालों से गुजारिश करता हूँ कि ईसा खान हबीब खान को अपना कीमती वोट दीजिए और ईसा खान का हम पर हक है, मंडी वालों का हक है कि हमने उसको वोट देना चाहिए, मंडी वाले ने मंडी वालों को वोट देना चाहिए, हमारे ऊपर उसका हक है। और ये बच्चा जो है तो गए 10-15 साल से मुसलसिल कोशिश करते आ रहा है और आप लोग जो है तो आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे के इसको एक नंबर पर आए, हमारे को नंबर भी एक मिला और इंशाल्लाह हम एक नंबर लेके आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ सब भाइयों से सब व्यापारियों से। बस इतना ही बोल के मेरी खत्म। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।